हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू F3 रेसिपीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि आटा बिस्किट्स कैसे बनाते हैं, वो भी विदाउट अवन। और उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, जिसकी हम नॉर्मल रोटियां जो बनाते हैं होल व्हीट आटा, पाउडर्ड शुगर, बेकिंग पाउडर, मिल्क, नमक और घी। घी को हमने मेल्ट नहीं करना है, ऐसे सॉलिड फॉर्म में ही रखना है। तो सबसे पहले हम इसका गूंद लेंगे आटा। आटा गूंदने से पहले ये एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम ढक कर थोड़ी देर स्लो फ्लेम में गरम रख देंगे। अब हम गूंदेंगे आटा। आटे में हम डाल लेंगे शुगर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे घी। आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। इसे तब तक गूंदिए जब तक आटे के क्रम्स ना हो जाएं। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी चिल्ड बटर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट अ पिंच। और इसे थोड़ा सा दूध में गूंद लेंगे। ध्यान रहे आटे में ज़्यादा दूध नहीं डालना है हमें, नहीं तो जो बिस्किट का आटा है बहुत लूज हो जाएगा। तो हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड। इसे हमने मीडियमली गूंदना है। अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में फॉर अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट हो चुके हैं, फ्रिज से हम आटा बाहर निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। इसे 2 पोर्शंस में अब डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस पे बनाएंगे हम 1 रोटी। इस तरीके से 1 रोटी बना लेंगे। इससे ज़्यादा पतली नहीं करेंगे हम। मेरे पास ये कुछ कुकी कटर्स हैं अलग अलग शेप के, तो मैं एक सर्कल काट लूँगी और एक ट्रायंगल। जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। एक ट्रे ले लेंगे ऐसे, जिसे मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया है। इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग शेप के मैंने बिस्किट्स को कट कर लिया है। पैन में हम रख लेंगे एक स्टैंड और इसके ऊपर हम रख देंगे ये ट्रे और इसे हम फिर से ढक देंगे।
20 से 25 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बिस्किट तैयार हैं। आप चाहें तो बीच में इसे आप पलट भी सकते हैं। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया ब्राउन कलर भी आ चुका है। क्योंकि ये अब गर्म है तो ये सॉफ्ट ही होंगे। इसे आप अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। होममेड बिस्किट्स हैं, इसमें हमने मैदे का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया है। हेल्दी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू कैन ऑल्सो सेंड अस योर कमेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।